जानकारी देगा। सर्वप्रथम जो ये हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो ये आदेश जारी किया है कि अभी कच्चे कर्मचारियों की जो सैलरी है वो काट के, मतलब बढ़ाने के बजाय घटा के दी जाए, वहाँ 3,700 कुछ रुपए घटा के देने का जो फरमान जारी किया है उसका हम विरोध करते हैं बड़े पैमाने पे। क्यों? क्योंकि जहाँ माननीय हाई कोर्ट का आदेश माना गया वहाँ हाई सुप्रीम कोर्ट की भी तो आदेश है कि सेम काम का सेम वेतन उसे क्यों नहीं दे दिया जाता। मतलब घटाने वाली बात आई तो मान लिया और बढ़ाने वाली बात आई तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा, हमारे जितने भी तमाम कच्चे कर्मचारी है 2017 तक के, एक एक कर्मचारी हमें पक्का चाहिए, चाहे वो आज की डेट में लगा है डेथ केस का है या हमारा सब्स्टिट्यूट कर्मचारी है, डेली वेजर कर्मचारी है, हमें अपना एक एक कर्मचारी पक्का चाहिए। क्योंकि आज हमारे कच्चे कर्मचारी की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है, आज हमारा कच्चा कर्मचारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है क्योंकि 12,000 रुपए में गुजारा नहीं चल पा रहा या अपना घर बार छोड़ने पर भागने पर मजबूर हो रहा है। अगर ऐसा होता है, हाईकोर्ट के आदेश को बताया है भाई निगम ने, हमारे के हाईकोर्ट का आदेश है लेकिन हमने नहीं देखा। हम वैसे आपके सामने कहने लगे लेकिन हमें तो यही बताया गया कि ये हाईकोर्ट का आदेश है सैलरी काटने वाला। ये बड़े नेताओं ने मांगी थी हमारे, ने उनके पास भी है, उन्होंने हमें बताया भाई ये हाईकोर्ट की डायरेक्शन है जो भी है पैसा काटने वाला। लेकिन हाईकोर्ट का ये फैसला कैसा फैसला, मतलब एक मजदूर की मजदूरी बढ़ाने के बजाय घटा के दी जाए। एक बेलदार तो बेलदारी करता है, अगर वो 500 रुपए ले रहा है आज दिल्ली के अंदर, वो उसे 100 रुपए देने लगे, 200 रुपए देने लगे, क्या वो करेगा? कदापि नहीं करेगा। तो हमारे वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात क्या?